क्या है कि विपिन रावत का हेलीकॉप्टर, इसमें डबल इंजन हेलीकॉप्टर था, उसके बाद ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है जो बड़ा स्टडी माना जाता है, इसके अंदर इंजन फेलियर का चांस नहीं है। अगर इंजन फेलियर हो भी गया तो एक इंजन फेलियर, और इसके बाद दो इंजन फेलियर का चांस नहीं है। तीसरी बात, इसके अंदर जो पायलट थे मोस्ट एक्सपीरियंस थे, इसलिए कोई गलती का चांस नहीं है। चौथी बात यह आती है कि जो ये क्रैश हुआ, यहाँ पे कैसे क्रैश हो गया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई और कमेटी की कुछ रिपोर्ट फिल्टर होकर आई है कि कमेटी ने कहा है कि इसके ऊपर जो है इंजन फेलियर नहीं है, टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं थी, और ये जरूर है कि वहाँ पे बादल आ गए और बादल आने के बाद यहाँ क्रैश हो गया। अब दूसरी बात यह आती है, जो पायलट्स यहाँ पे फ्लाई कर रहे थे इस एयरक्राफ्ट को, उनको इस टेरेन का पता था। ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा हिली एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ हों, हमारे हेलीकॉप्टर्स जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बड़े सियाचिन में भी जाते हैं, वेदर भी खराब होता है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं बादल आने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए या उनको पता ना चले। जब पायलट्स इन ऐसी जगह पे भेजे जाते हैं तो एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं जिनको एरिया भी पता होता है, टेरेन भी पता होती है, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि इस टाइप से इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने जो अपने व्यूज तो दिए नहीं, जो उनको ब्लैक बॉक्स में मिला है वो उन्होंने ओपन कर दिया कि यहाँ पे एक इनका जैसे क्रैश हुआ, और इसमें उन्होंने कोई भी कुछ नहीं कहा कि टेक्निकल फॉल्ट हो या बाकी हो। अब दूसरी बात यह आती है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। आपने देखा होगा पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे आपका ताइवान के आर्मी चीफ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जनवरी 2020 में, उसके अंदर माना जाता था चाइना का हाथ है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने देखा इसराइल के अंदर क्या हुआ, इसराइल ने जो ईरान के साइंटिस्ट को मारा, उन्होंने सैटेलाइट यूज करके मारा, ईरान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज यूएस के साथ मिलके उन्होंने आईआरजीसी के जो चीफ हैं उनको मारा सैटेलाइट यूज करके। और मैं इसमें पूरी बात समझता हूँ कि जो कुछ भी ये हुआ है इसके अंदर यूज़ हो सकता है सैटेलाइट, सैटेलाइट से करके हो सकता है कि जो प्लेन के हेलीकॉप्टर के सिस्टम है उसको जैम कर दिया हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ कि एकदम वहाँ पे बादल बन गए, बादल आ गए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक ऐसी जगह हो कि यहाँ पे एकदम बादल आ जाएंगे चले जाएंगे। ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी लगती है कि जहाँ हेलीकॉप्टर था वहाँ पे बादल क्रिएट किए गए, उसके बाद इसका जो सिस्टम है उसको जैम कर दिया गया और इनको आपस में बात करने का मौका ही नहीं मिला क्या हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उससे पहले हम बात करते हैं कौन पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। कुछ लोगों ने कहा जी अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि इंडिया S-400 मिसाइल परचेज कर रहा है इसलिए। किसी ने कहा जी रशिया हो सकता है, ये दोनों रूल्ड आउट है, ना रशिया हो सकता है ना अमेरिका हो सकता है, ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। अब बात करते हैं यूएस, वो चाहता है इंडिया स्ट्रांग बने, और जहां तक रशिया की बात करते हैं, रशिया एक इंडिया का टेस्टेड फ्रेंड है, रशिया ने कभी भी इंडिया को इन चीज़ों में धोखा नहीं दिया, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती कि ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर कुछ ना कुछ नुकसान करे। तीसरी बात हो सकती है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट ही नहीं है, तो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। तो इसमें जो चौथा वो आती है कंट्री, वो आती है चाइना। चाइना का इसमें बड़ा रोल हो सकता है, चाइना की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। दूसरी तरफ जहां तक जनरल बिपिन रावत की बात करते हैं, वो हमेशा चाइना को थ्रेटन करते रहते थे और उसको एक्यूज करते रहते थे। उन्होंने एक चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चलाया था, जैसे चाइना ने यहाँ पे प्रोपेगेंडा वार चलाया कुछ इंडिया के मीडिया पे कंट्रोल करके, दूसरी तरफ उनका ग्लोबल टाइम्स वो यहाँ पे इंडिया को अटैक करता था, उसको काउंटर करने के लिए जनरल बिपिन रावत वो रेगुलरली चाइना को थ्रेटन करते थे, अटैक करते थे। और इसमें फायदा किसका है, वो है फायदा सिर्फ चाइना का। और दूसरी बात आती है कि जनरल बिपिन रावत की लॉस के बाद कुछ लोग पूछते हैं क्या होगा, क्या नया कोई CDS बनेगा? CDS तो नया बनेगा, लेकिन कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट क्यों बनाए, कब बनाए। गवर्नमेंट को जब लगेगा कि सूटेबल आदमी मिला है उसको CDS बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह आती है कौन बनेगा, इसके बारे में गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं ले सकती। तीसरी बात यह आती है कि जनरल बिपिन रावत से नुकसान क्या हुआ। जनरल बिपिन रावत जब बैठे थे उनको CDS बनाया गया तो एक सोच समझ के बनाया गया कि वो इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको स्ट्रांग करेंगे। उनके साथ दूसरी बात ये थी कि वो यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चर है आर्म्स का वो स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया। तीसरा काम ये था कि उनके होते हुए जो हमारे आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ, वो भी रेगुलरली फॉरेन कंट्रीज में जा करके वहाँ पे डील साइन करते थे। साउथ कोरिया में गए, अगर हमारे एयरफोर्स के चीफ वहाँ से वो फील्ड गन्स लेके आए या वहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लेके आए, UAE सऊदी अरेबिया बाकी कंट्री में जाके भी कुछ ना कुछ सामान की डील करके लाते थे, क्योंकि उनकी इन चीज़ों की नॉलेज भी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। अगर दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट को भेजेंगे या किसी डिफेंस मिनिस्टर को भेजेंगे तो उनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और इसकी वजह से इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ। एक तो चाइना के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था वो वीक हो गया, दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी पर्पस चल रहा था मैन्युफैक्चर करने का आर्म्स एमुनिशन में, मैं सोचता हूँ उसको भी छोटा मोटा झटका लगा है। लेकिन इंडिया बड़ी कंट्री है, स्ट्रांग कंट्री है, और यहाँ पे ये नहीं है कि एक आदमी पे हम डिपेंड कर सकते हैं, तो इसके लिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं सोचता हूँ इंडिया के लिए बुरा है। लेकिन दूसरी बात आती है
कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर चाइना का नाम आता है तो गवर्नमेंट उसका नाम दे, इसके लिए गवर्नमेंट के पास बड़ी दिक्कत है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर चाइना को एक्यूज़ करती है कि चाइना का हाथ है, पता भी चलता है। अब मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के पास कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, या क्या पता चला सकते हैं कि यहाँ पे सेटेलाइट काम कर रहा था, किस कंट्री का काम कर रहा था। तो इसके ऊपर एक बड़े इशू हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैठ के स्टडी करेगी और ये सोचेगी क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकती है रिपोर्ट कि नहीं हो सकती, इसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बिग लॉस टू आवर कंट्री इंडिया। जैसा हमारा सिस्टम चल रहा है, हमने काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया है, और इसके ऊपर क्या है कि जो हमारी डील्स होनी थी वो इंडिया ने जो डील की है, जैसे इंडिया ने रशिया के साथ डील की MiG-29 खरीदने की, 21 उन्होंने MiG-29 खरीदने थे रशिया से, वो डील इंडिया कैंसिल कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया ने P-8I प्लेन्स वो खरीदने थे अमेरिका से, उसको भी इंडिया कैंसिल कर रहा है। क्यों? इंडिया अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, के अंदर एक कॉरिडोर बनी है, डिफेंस कॉरिडोर, जहाँ पे बहुत सी कंपनीज आकर के अपने जो इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चर कर रही है। इंडिया की पर्पस ये है कि इंडिया चाहता है जितना भी सामान हो इंडिया के अंदर बने और वो आर्मी को सप्लाई किया जाए। अब पहले जो था इंडिया का एक पर्पस होता था, इंडिया इंपोर्ट करता था, अब इंडिया एक तरीके से बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है आर्म्स डील का, आर्म्स इक्विपमेंट का। अभी इंडिया को नेचुरली जरूरत है। आप देखिए, जब 1971 का पीरियड था तो उस टाइम पे हमारे पास नेट एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद इंडिया के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं थे। क्यों? एयरक्राफ्ट इसलिए नहीं थे कि इंडिया के अंदर किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ बात यह आती है, कुछ यहाँ पे लोग बैठे थे जो आर्म्स डील के अंदर पैसा कमाते थे, इंडिया की फॉरेन करेंसी बाहर भेजते थे, उससे वो कमीशन लेते थे। कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे कांग्रेस और बाकी पार्टियों में इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का इस चीज़ में कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई अनफेयर डील हो, इसलिए गवर्नमेंट अब जो है ये चीज़ों का इंपोर्ट भी बंद कर रही है। और किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था आर्म्स का पिछले कम से कम 3 या 4 डिकेड से, लेकिन इंडिया अब बड़े स्पीडली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है अपने आर्म्स एमुनिशन। इंडिया के फिलीपींस के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया जहाँ तक आपके एयरक्राफ्ट है उसको भी कुछ कंट्रीज में बेचना जा रहा है। लेकिन एक तो जरूर है कि हमें नुकसान तो जरूर है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिसको इंडिया भरपूर ना कर पाए या पूरा ना कर पाए। एक हमारी जो रेल गाड़ी है वो ट्रैक पे आ चुकी है, और इसके बाद जो भी हमारा सिस्टम होगा मैं सोचता हूँ बड़ा स्मूथली चलेगा, क्योंकि हमारे जो मेन इसके ऊपर इश्यू है वो है हमारा लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने यही पॉलिसी बनाई है कि इंडिया मैन्युफैक्चर करे, एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट कम कर दे, ताकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज भी बचे, हमारी फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस भी बचे। और अगर हमारे इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे और बाकी चीज़ें जैसे हमारे इंडिया के अंदर बन रही हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी डिफेंस फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस को पिछले 3-4 डिकेड से काफ़ी निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। ये प्राइवेट सेक्टर में होगा, गवर्नमेंट अब जहाँ पे पहले देखिए HAL था, HAL टोटली डिफंक्ट हो गया था, लेकिन अब HAL क्या कर रहा है, HAL बना रहा है तेजस एयरक्राफ्ट, HAL बना रहा है हेलीकॉप्टर्स, HAL बना रहा है ड्रोन्स। साथ में यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज यानी कि प्राइवेट पार्टीज हैं, चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, इनको काम दिया जा रहा है कि किसी ना किसी से टाई अप करके आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। अभी जैसे अमेठी के अंदर हमारी गन्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी का काम शुरू हुआ है, वहाँ पे AK-203 जो रशिया के साथ मिलकर हुआ है। तो इंडिया की एक पर्पज ये है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो। अब मैं एक और बात बता दूँ कि जो MKI ये जो प्लेन हम अमेरिका से रशिया से लेते हैं, वो प्लेन अगर हम रशिया से लेते हैं तो हमको महंगा पड़ता है, अगर हम रशिया से लेते हैं तो हमको सस्ता पड़ता है, अगर वही प्लेन इंडिया में बनता है तो महंगा पड़ता है। लोग कहते हैं तो अगर इंडिया महंगा पड़ता है तो हम इसको इंपोर्ट करें, लेकिन दूसरी बात क्या है, इंडिया के अंदर जब ये प्लेन बनते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे जो इसके इक्विपमेंट बनते हैं उसके साथ साथ कम से कम 200 या 300 कंपनियाँ साथ इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचती है। उसकी वजह से हमें लगता है कि जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं महंगा तो जरूर पड़ता है, लेकिन जो भी चीज़ महंगी पड़ती है वो हमारे देश के अंदर जाती है, हमारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं इसलिए, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती। तो इसलिए जो हमारे कंट्री के अंदर जो इंपोर्ट करके, और ये सारा का सारा गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। गवर्नमेंट के सेक्टर में दिक्कत होती है, आपने देखा कि जब राफेल लिए तो उस टाइम पे भी ये दिया कि किसी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे मैनेज करे, और गवर्नमेंट यही चाहेगी कि जो ये काम है प्राइवेट के पास दिया जाए, ताकि प्राइवेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती।